हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन का एक छोटा सा फंक्शन है और ये प्री डिफाइंड फंक्शन है और फंक्शन का क्या नाम है, इवैल नाम है, इवैल। तो अब ये इवैल कैसे काम करेगा ये देखते हैं और यहाँ पर हम जानेंगे एक अनोखा तरीका जिस तरीके से आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ लिखा ए और इज इक्वल टू का निशान लगाया और यहाँ पर जनरली यहाँ पे वैल्यू हम देते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डबल कोट्स लगाऊंगा और लिखूंगा प्रिंट। अब ये लिख दिया प्रिंट, ब्रैकेट को ओपन किया और यहां पर मैं क्या करता हूँ, कोई नंबर दे देता हूँ, लाइक यहाँ पे 34 दे दिया। अब इसको बंद किया और बंद करके क्या करेंगे, डबल कोट्स को भी क्लोज कर देंगे और यहाँ पर क्लोज करके क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे इवैल। तो ये लगा दिया इवैल, देख सकते हैं यहाँ पे इवैल लगा दिया और ए को प्रिंट करवाएंगे, यानी यहाँ पे ए लिख देंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ पे 34 प्रिंट हो गया है। आपको विश्वास नहीं होता, मैं इसको एक बार चला के दिखाता हूँ, मैंने इसे पहले से सेव कर रखा है। ये देखिए 34 प्रिंट हो रहा है, लेकिन क्या अगर हम इसको क्लोज करके कोई स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर कर दें तो ये आएगा नहीं, यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम अगर लिख देता हूँ और देन इसको रन करवा देता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आएगी और ये देख सकते हैं ये एरर क्या है, ये कहेगा ये एरर देगा, ये इवैल एरर देगा और यहाँ पर लिखेगा स्ट्रिंग लाइन वन इन मॉड्यूल नेम एरर आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे डबल कोट्स या सिंगलेटेड कोट्स भी आप लगा सकते हैं, इस नेम को सिंगलेटेड कोट्स में लिख देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा इवैल के चलते। तो यहाँ पे लगाया और ये देखिए ये हो जाएगा प्रिंट, तो नेम देखिए प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, ओके।